नमस्कार, एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो हमने एक अच्छी खासी गिरावट पूरे एग्री पैक में बनते हुए देखी। नो डाउट जीरा धनिया पॉजिटिवली क्लोज होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, बट हायर लेवल से एक बड़ी गिरावट आते हुए दिखी है। कॉटन में भी हमने देखा कि प्राइजेस में वॉलिटी कंटिन्यू बनी हुई है। तो सबसे पहले अगर कैस्टर की बात करें तो पूरे हफ्ते में हमने 4.5% की गिरावट देखी, जिस दिन से एक्सपोर्ट के आंकड़े सोया मिल सोया ऑयल के थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। चाइना मार्केट फिर से लॉकडाउन में जाने की कोशिश के चलते हमने देखा कि कैस्टर में भी एक नेगेटिव असर पड़ा। सोइंग भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रही है, डिमांड के मुकाबले सप्लाई अच्छी रहने की वजह से प्राइस में दबाव है। बट इन ऑल अगर हम पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो दायरा 7,100-7,150 के सपोर्ट पे और 7,075 का रेंज, ये ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। एज ऑफ नाउ मार्केट पैसिमिस्टिक है डिमांड को लेकर, और स्विंग प्रोग्रेस को देखते हुए प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है। अगले हफ्ते में ओवरऑल एग्री के अंदर हम एक तरह से ग्रुपिंग व्यू देख रहे हैं, मतलब एक दो कमोडिटी में अगर गिरावट आती है तो सभी कमोडिटी में उसका असर आने लग जाता है। तो उसी के चलते हमें लगता है कि 7,150 तक का भी अगर लेवल मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है कैस्टर में, लेकिन रिकवरी वो लेवल से अच्छी रहने की उम्मीद है। जो दायरा रहेगा वो 7,380 से 7,400 तक का लेवल रहेगा। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए, 7,150 के करीब कैस्टर के अंदर बाइंग वापस आती हुई दिखाई देंगी। वहीं मसालों की अगर बात करें तो यहाँ पे हल्दी में हमने डिटोरेशन ज्यादा आते हुए देखी है एज कम्पेयर टू जीरा और धनिया। जीरे धनिया में हमने देखा था जिस ढंग से RBI ने एक्सपोर्ट्स के अंदर रुपी का वर्चस्व बढ़ाया है, उसके बाद हमने सभी एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज में एक बेनिफिट होते हुए देखा, जिसमें सबसे ज्यादा जीरा और धनिया, क्योंकि बरसात के चलते अराइवल्स भी मार्केट में नहीं है, डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, लेकिन हायर लेवल पे प्राइस सस्टेन इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि ऊंचे भाव में कोई भी लेके होल्ड नहीं करना चाहता है। तो ओवरऑल हल्दी की अगर बात करें तो सोइंग प्रोग्रेस देखनी पड़ेगी, बट टेक्निकली अगर हम चार्ट पे देखें तो 7,700 से लेकर 8,150 का एक ब्रॉडर रेंज है। नो डाउट प्राइजेस में 3.5% की गिरावट है, बट हमें लगता है प्राइजेस 7,550 7,600 का एक बेस वापस बनानी चाहिए। एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसी बड़ी स्टोरी नहीं जो हल्दी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो दायरे में रहने की उम्मीद है। जबकि जीरा और धनिया थोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं कंटिन्यू। थोड़ा पुल बैक अगर 2,200-2,300 के करीब मिलता है तो जीरा लेके चलिए, वापस 3,000 का लेवल मिल जाएगा। धनिया के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट है तो 11,500 11,600 की रेंज में लेके चलिए, वापस 12,200 के ऊपर का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं गवार के अंदर 4-4% से ज्यादा की गिरावट हमने गवार सीड गवार गम में आते हुए देखी। एज ऑफ नाउ खाली एक कैस्केडिंग सेलिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से हमने ये बड़ा फॉल आते हुए देखा। टेक्निकली 4,900 तक के सपोर्ट हम गवार सीड में देख पाएंगे, और जैसे कि पिछले बार भी मैंने बताया था 5,450 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है, रिकवरी देगा, बट 5,450 के ऊपर एक कंफर्मेटिव बाइंग दिखाई देगी। वहीं अगर गवार गम की भी बात करें तो 10,200 के ऊपर क्लोज करने पर ही हमें कंफर्मेटिव बाइंग देखेंगे, अदरवाइज 9,000 से लेकर 10,000 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। कॉटन सीड ऑयल के अंदर एक शानदार रिकवरी आई थी प्राइजेस के अंदर, बट सस्टेन नहीं कर पा रही है। हमने पूरे हफ्ते में 6% की वापस बड़ी गिरावट देखी, जो क्लियरिटी देता है कि 2,450 से लेकर 2,650 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है कॉटन सीड ऑयल के लिए। क्योंकि एक तरफ देखिए कॉटन में अच्छा सपोर्ट इसलिए मिल रहा है, स्विंग थोड़ी थोड़ी पिछड़ रही है एक्सपेक्टेशन को, और जिस दिन से गुजरात महाराष्ट्र यहाँ पे बरसातें आई है तो कहीं ना कहीं क्रॉप डैमेजेस की रिपोर्ट आना चालू हो चुकी है, जिसके चलते कॉटन में तेजी है। अगर कॉटन में तेजी है तो उसका सपोर्ट कॉटन सीड ऑयल को भी मिलना चाहिए, बट डिमांड पेसिमिस्टिक के चलते हमने देखा कि प्राइसेस हाई लेवल पे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो अगले हफ्ते के लिए 2,450 से लेकर 2,650 का दायरा रहेगा। वहीं कॉटन 40,000 का लेवल तोड़ सकता है बिकॉज इंटरनेशनल क्रॉपिंग सिचुएशन ठीक बताई जा रही है, बट डिस्पाइट इट हमें लगता है कि 38,500 का एक हिस्टोरिकल सपोर्ट है, ये लेवल जब तक ब्रिज नहीं करता है गुंजाइश से हम वापस 44,000 से 45,000 तक का भी एक जंप देख पाएंगे। वहीं मेंथा में मार्केट डिमांड के अभाव में प्राइजेस में दबाव है, जो 990 से 1,020 के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। धन्यवाद।